हे गाइस, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पे। सो गाइस, जैसे कि आप सभी को मालूम है, डेली सुबह 8 बजे मंडे टू सैटरडे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है 30 to 40 मिनट का, जिसके अंदर इंडिया के सारे लीडिंग न्यूज पेपर है जो कि हम लोग कवर करते हैं। देखते हैं आपकी एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है और साथ में कौन से एग्जाम में क्या सवाल है जो कि पूछे जा सकते हैं, किस प्रकार से सवाल बन सकते हैं और साथ में आपके नॉलेज के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करते रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसे रेगुलर देखते होंगे, रेगुलर शेयर करते होंगे, ताकि सभी बच्चे डे बाय डे जो है वो अपने नॉलेज के अंदर और अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों में इम्प्रोवाइजेशन करते रहे। तो चलिए गाइस, शुरुआत करते हैं। आपको मालूम है सबसे पहले जो है कल के सवाल जो थे वो डिस्कस करेंगे कि कल के क्वेश्चन क्या थे, उसके बाद देखेंगे आज के अपने महत्वपूर्ण सेशन। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की अध्यक्षता है जो की ली है, तो अध्यक्षता किसको मिली है, अभी जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। आंसर होगा आपका इंडिया, इंडिया को मिली है ना। चलिए, निम्नलिखित में से किस बैंक ने ऑटोमेकर के ग्राहकों और डीलरों के लिए वित्त विकल्पों को सक्षम करने के लिए टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के साथ गठबंधन की घोषणा करी है। तो टोयोटा किर्लोस्कर की अगर मैं बात करूं गाइस, तो बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ में टाइप है जो कि किया गया है। विश्व विकास सूचना दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। बांग्लादेश के बाद निम्नलिखित में से किस देश ने चीन से कोरोना वायरस वैक्सीन की खरीद को अस्वीकार कर दिया है, तो यह अस्वीकार किया गया है किसके द्वारा, ब्राजील के द्वारा। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंदर नंबर वन के ऊपर कौन सा डिस्ट्रिक्ट रहा है, तो यह है दोस्तों आपका मंडी, तो भी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपको मालूम है, अगर आपको दोस्तों घर बैठे यूपीएससी एसएससी बैंक, कोई कैट का एग्जाम है, कोई आईआईटी है, कोई नीट है, कोई डिफेंस का एग्जाम है, इंडिया में कोई भी एग्जाम हो घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस के ऊपर। वहां पर रेफरल कोड आपको BHU10 या फिर BHU NESH भुवनेश्वर लगा के आप अपना 10% ऑफ और सभी टीचर की सारी क्लासेज है जो कि आप देख सकते हैं। मेरा जो कोर्स चल रहा है वो SSC के अंदर चल रहा है, फाउंडेशन बैच, जहां पे मैं आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स साइंस सब कुछ पढ़ा रहा हूँ। अभी मेरी हिस्ट्री है जो कि यहाँ पे चल रही है, कभी नहीं देखा है तो देखिएगा, मजा आ जाएगा आपको। मेरे अलावा मैथ रीजनिंग इंग्लिश की भी आपको सारी क्लासेस टेस्ट सीरीज के साथ में मिल जाएगी, ठीक है गाइस। चलिए, तो यहाँ पे अगर आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो भी कर सकते हैं, फॉलो करने के बाद आपको मेरी सारी क्लासेस मिल जाएगी। 10 बजे जो क्लास है वो है NCERT की और 1 बजे जो क्लास है वो है NTPC की, ठीक है, करंट अफेयर की, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ में फाउंडेशन बैच चल रहा है SSC के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया, और UPSC की तैयारी भी 2021 की हम लोग कर रहे हैं, जिसके अंदर मेरा 1.5 साल का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है हिंदी और इंग्लिश दोनों में, प्रीलिम्स और मेंस के लिए। आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं अपनी अच्छी प्रिपरेशन के लिए। यहाँ पे मेरे अलावा आपको प्रीलिम्स मेंस ऑप्शनल की सारी क्लासेस टॉप एजुकेटर के द्वारा मिल जाएगी, ठीक है। कोट ऑफ द डे देखते हैं जो कि यहाँ पे कबीर के द्वारा भेजा गया है, खुद को हमेशा खुद ही खुश रखे, ये जिम्मेदारी किसी और को ना दे, तो बिल्कुल बहुत सही बात है जो कि यहाँ पे कबीर के द्वारा बोली गई है कि खुद को हमेशा खुद ही खुश रखें, ये जिम्मेदारी किसी और की ना तो है और ना किसी को देनी है। अब ये खुद को खुद की जिम्मेदारी कैसे देनी होती है, आप जिस तरीके से जीते हैं, जिस तरीके से सोचते हैं, वही है दोस्तों जो कि आपको खुशी देगा। अगर आप हमेशा लोगों का अच्छा सोचते हैं, अच्छा करने की कोशिश करते हैं, ओके, किसी की लाइफ के अंदर इंट्रूड नहीं करते हैं, किसी को बुरा भला नहीं बोलते, तो यकीन मानिए आपके खुश रहने की जो पॉसिबिलिटीज है वो बहुत ज्यादा है। अगर आप किसी की लाइफ में दूसरों से जेलस फील कर रहे हो, ठीक है, किसी को गलत बोल रहे हो, किसी को गलत विचार कर रहे हो, किसी का बुरा चाह रहे हो, तो यकीन मानिए कभी भी जो है वो खुद को आप खुद ही खुश रहे जो कि नहीं रह पाएंगे, ठीक है गाइस। तो उम्मीद करता हूँ कि इस बात को आप बिल्कुल सही, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, खुद को खुश रखने की जिम्मेदारी हमेशा खुद की होनी चाहिए, किसी दूसरे की नहीं है। चलिए गाइस, बिल्कुल सही बात बोलिए। आगे बात करते हैं आज के दहेंदू की तरफ, ठीक है। आज के दहेंदू की बात करें सबसे पहले तो 23 नवंबर याद है क्या सबको, 23 नंबर को क्या है, ठीक है, 23 नंबर को क्या है, एक बहुत बड़ा बदलाव दिवस है। बदलाव मतलब ऐसा नहीं है कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा, मैं ही पढ़ाऊंगा मतलब, लेकिन आपका करंट अफेयर पूरी तरीके से दोस्तों एक नए तरीके से आने वाला है जो कि आपको काफी मजा आ जाएगा, मतलब उसके अंदर बहुत सारी नई चीजें होगी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या क्या एड ऑन होने वाला है, क्या क्या नई चीजें होने वाली है, ठीक है। लेकिन 23 नंबर जो है वो जरूर ध्यान रखिएगा, ओके। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे स्टबल बर्निंग को लेकर। तो सेंटन ने प्रॉमिस किया है कि वो लॉ लेके आएगा स्टबल बर्निंग को, इसके बारे में बात करेंगे। और ये ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन है, इसने दोस्तों एक और आशा की किरण है जो कि दी है, शाहरुख खान वाली किरण की बात नहीं कर रहा, किरण जो है उम्मीद को बोल रहा हूँ, है ना, तो वो दिखाई है, उसके बारे में बात करेंगे।
यहाँ पे एंटी काउ स्लॉटर लॉ जो यूपी के अंदर आया था वो मिसयूज किया जा रहा है, ऐसा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है। यूपी के अंदर क्या हो रहा है कि भाई किसी को भी जो है वो पकड़ के, कोई भी मीट अगर किसी के मिल जाए तो ना तो उसकी कोई लेबोरेटरी में जांच होती है, ना उसको भेजा जाता है, बस उस आदमी को पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है ये बोल के कि भाई आपने काउ का मीट जो है वो यूज किया है। तो ये जो लॉ बनाया था वो बहुत मिसयूज हो रहा है और एक एक साल से लोग जो है जेल में पड़े हुए हैं। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक पेटिशनर था उसकी यहाँ पे सुनी और बताया कि भाई पुलिस के पास ना तो कोई सबूत है, ना उसने कोई लैब में टेस्टिंग कराई है मीट की, और बंदे को जेल में डाला हुआ है एक साल से। तो यहाँ पे उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पे दोस्तों कोल स्कैम के अंदर जो है एक्स मिनिस्टर, उनको 3 साल की सजा है जो कि यहाँ पे दी गई है। ये दोस्तों जो केस है ना ये 1999 का है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब गवर्नमेंट थी तब उस टाइम पे कोल मिनिस्टर हुआ करते थे ये। तो इन्होंने गलत तरीके से जो कोल के आवंटन है वो दे दिए थे, तो उसको लेकर जो है सजा है जो कि सुनाई गई है। यहाँ पे इंडिया यूएस के बीच में जियो स्पेशल कॉर्पोरेशन डील करी गई है, इसके बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे मैसूरू के अंदर बनाया गया दशहरा को लेकर तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये 3 स्टार है जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे, 1, 2 और ये 3। अब इन तीनों के बारे में हम लोग दोस्तों डिस्कशन है जो कि करने वाले हैं। एक बच्चा बोल रहा है सर भुवनेश सर की एनिवर्सरी 23 नवंबर को। नहीं भाई गलत बात है, मेरी एनिवर्सरी एनिवर्सरी बर्थडे बर्थडे कुछ भी नहीं है, 23 नवंबर को तो वो मैंने ऐसे ही डेट डिसाइड करी आप लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि मुझे भी काफी इनोवेशन और काफी नई चीजों के लिए टाइम चाहिए, तो इसीलिए। चलिए तो हु प्राइजेस फॉर ऑक्सफोर्ड वैक्सीन, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों सबसे पहले COVID-19 का एक्सपेरिमेंटल जो वैक्सीन है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के द्वारा बनाया जा रहा है, तो इसमें अभी रिसर्च में पता लगा है कि बहुत कम लो एडवर्स है ना रेस्पॉन्स है जो कि देखने को मिल रहा है किसके अंदर, बुजुर्ग लोगों में भी और यूथ के अंदर भी। एडवर्स का मतलब है जो नुकसानदायक जो रेस्पॉन्स, यानी कि कुल मिला के किसी को कोई ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है, बहुत ही लो एडवर्स रेस्पॉन्स, यानी कि जो हानिकारक या कोई गलत रेस्पॉन्स है वो बॉडी में नहीं देखने को मिल रहा है, ओके, किसी भी बुजुर्ग में या फिर यूथ में, ऐसा ब्रिटिश ड्रग मेकर एस्ट्राजेनेका के द्वारा बोला गया है, जो कि मदद कर रही है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड को इस वैक्सीन को काम करने को लेकर। ये वैक्सीन दोस्तों गेम चेंजर बताई गई थी, दुनिया में सबसे पहले जो है ना जो सबसे आगे चल रही है वैक्सीन वो यही वाली है, और ये COVID-19 के ऊपर काम कर रही है। नियर बाय 1 मिलियन से भी ज्यादा लोगों को दोस्तों COVID-19 की वजह से पूरी दुनिया में मर गए, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी शटडाउन हो गई है, नॉर्मल लाइफ जो है वो पूरी अपसाइड डाउन हो गई है, बिलियंस ऑफ पीपल जो है वो घर में पैक हो गए इसकी वजह से। तो इसके ऊपर दोस्तों जो काम किया जा रहा है वो यहाँ पे बताया गया। अभी आपको मालूम है कुछ दिन पहले इस वैक्सीन से जो एक आदमी की मृत्यु भी हो गई थी है ना, एक ब्राजील के अंदर किसी की मृत्यु हो गई थी, तो थोड़ा टेंशन हो गई थी कि यार ये वैक्सीन भी कहीं फ्लॉप तो नहीं हो गई, लेकिन उसके बाद में वापस से स्टार्ट किया गया इसके ऊपर काम, और उसके कुछ रीजन जो है वो कुछ अलग थे उसकी डेथ होने के। हालांकि कोविड ये भी वैक्सीन भी उसको दी गई थी, लेकिन एडवर्स इफेक्ट जो है वो ज्यादातर लोगों में देखने को नहीं मिले हैं, समझ गए मेरी बात। और हालांकि अभी तक कोई डाटा नहीं दिया गया है कि कितने लोगों के ऊपर टेस्टिंग हुई है, क्या रेस्पॉन्स आया है फेज 3 ट्रायल के अंदर, लेकिन हाँ जो अभी तक रिपोर्ट्स आ रही है उसके अंदर तो ये पॉजिटिव ही आ रही है, और बोला जा रहा है कि 2021 के फर्स्ट हाफ के अंदर अंदर मतलब इसको जनता के लिए लेके आ जाएंगे, यानी कि हो सकता है जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, इस ड्यूरेशन के अंदर ये लोगों का अवेलेबल हो जाएगी। ओके, इनके साथ में अपनी जो सीरम इंस्टीट्यूट है वो भी काम कर रहा है। ये क्या काम करेगा, मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करेगा, जो पुणे के अंदर है ना ये टेक्नोलॉजी के ऊपर काम नहीं करेगा, ये मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर काम करेगा। ओके ठीक है, एक बार वीडियो को शेयर कर दो, अगर आपने अभी तक शेयर नहीं किया है तो अपने व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, सभी जगह पे गाइस एक बार शेयर कर देना वीडियो को, ताकि और भी बच्चे ज्वाइन कर सके व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, जो भी आप यूज करते हो सोशल मीडिया। चलिए आगे बात करते हैं स्टबल बर्निंग को लेकर। तो दोस्तों सेंटर ने प्रॉमिस किया है कि वो एक नया लॉ लेके आएगी, किस लिए, एयर पॉल्यूशन को मैनेज करने के लिए। एयर पॉल्यूशन को किससे, एयर पॉल्यूशन को स्टबल बर्निंग से। मुझे पता नहीं क्यों ये बात समझ नहीं आती है सरकारों को कि स्टबल बर्निंग अगर किसान कर रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि उनको मजा आ रहा है करने में, ऐसा भी नहीं है कि उनको पता नहीं है कि उनकी जमीन को भी नुकसान हो रहा है, समझ रहे हो। मतलब कई बार जो है मिनिस्टर ऐसा कमेंट करते हैं कि किसान समझते नहीं है, अरे भाई तुम समझते हो क्या एग्रीकल्चर के बारे में, खेती बाड़ी के बारे में, जो है उनको समझने की बात करो, किसानों को सब पता है क्या नुकसान है क्या फायदा है, बस प्रॉब्लम ये है कि आप इतना कम टाइम मिलता है उनको और ऊपर से पैसे जो है वो इतने मिलते नहीं है ना, वैसे कमाई इतनी है नहीं, टाइम इतना कम बचता है अगले वाले क्रॉप को लगाने के लिए, तो कोई चारा नहीं बचता है। मतलब अगर सरकार स्टबल की खरीद करना चालू कर देना, समझ रहे हो, यानी कि जो ये स्टबल होते हैं ना, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, अगर इसको खरीदना चालू कर दे, क्योंकि इससे बहुत सारी चीजें बनती है,
तो मेरे को लगता है कि किसान अपने आप ही जो है लोग गवर्नमेंट को जाके आगे जाके देगा ही, लेकिन गवर्नमेंट पैसा भी खर्च करने को तैयार नहीं है, ऊपर से किसानों के ऊपर लॉ लेके आने को लेकर रेडी हो रखी है कि स्टबल बर्निंग नहीं करे। अब गरीब बेचारा, गरीब का कोई मतलब, किसान का कोई सोल्यूशन तो निकालो। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों यही बात बोली गई है कि एक ड्राफ्ट है, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने एक ड्राफ्ट लेजिस्लेशन जो है वो इस वीक के अंदर रेडी करने के लिए बोला है। ओके गाइस, ये यहाँ पे दोस्तों बताया गया है कि जो ये पॉल्यूशन है वो एनसीआर वाले एरिया में, एडजॉइनिंग एरिया के अंदर जो बढ़ रहा है उसको लेकर यहाँ पे पूरी जानकारी दी गई है। अब इस वाले लॉ के अंदर क्या क्या होएगा, क्या क्या नहीं होएगा, है ना, तो ये तो जब लॉ आएगा तभी पता लगेगा। वैसे बाकी आपको मालूम ही है कि ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि पॉसिटी ऑफ टाइम, जो टाइम की कमी है वो इस वजह से दोस्तों ऐसा किया जाता है। ठीक है, एक तो हमारे पास में दोस्तों कोई मैनेजमेंट की सुविधा नहीं है, ये जो रेसिड्यू बचता है ना जो, ये इसको लेकर तो हमारे पास कोई है नहीं। ओके, क्योंकि जो इसको काटने के लिए चाहिए वो काफी महंगे आते हैं। उसके अलावा दोस्तों लेबर की भी कमी है, क्योंकि पैसे नहीं होते लेबर को ज्यादा देने के लिए। तीसरा आपको मालूम है जो टाइम मिलता है अगली बारी हार्वेस्टिंग उसके लिए, सोइंग के लिए, वो भी बहुत कम मिलता है। समझ गए मेरी बात? तो यहाँ पे दोस्तों ग्रीन रिवोल्यूशन जब आया था ना हमारे देश में, तब हमने धान जो होता है ना पैडी, उसका कल्टीवेशन स्टार्ट किया था। समझ गए? और उसके अंदर क्या होता है कि इस तरीके के जो है ना, ये जो हस्क है ना ये रह जाते हैं, ये पूरी तरीके से कटिंग नहीं होते। अब इसको जमीन को बिल्कुल प्लेन करने के लिए आग लगाने का ऑप्शन है जो कि बचता है, क्योंकि जो काटने के लिए इसको जीरो से जो मशीन, जो ब्रीडर्स आते हैं वो काफी महंगे आते हैं। अगर लेबर चाहिए तो लेबर भी आपको पैसे देना पड़ेगा। समझ गए? और तीसरी बात, टाइम भी कम मिलता है अगली वाली की फसल को लगाने के लिए। तो यही एक ऑप्शन है जो कि किसान के पास में बचता है। और इससे दोस्तों जो सॉइल का न्यूट्रिशन है वो भी बर्न हो जाता है। ये तो कुछ दिन पहले मैंने आपको वैसे डिटेल में पढ़ाया था, लेकिन वापस से बता रहा हूँ आज। और एनवायरमेंट का पॉल्यूशन भी दोस्तों काफी होता है। आपको मालूम है 40% जो पॉल्यूशन है वो स्टबल बर्निंग की वजह से एनसीआर के अंदर देखने को मिलता है। समझ गए? तो ये भी दोस्तों ये रिसर्च के अंदर पता लगा था। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। इंडिया टू साइन जियो स्पेशल कॉर्पोरेशन डील विथ यूएसए। तो अभी आपको मालूम है गाइस, 2.2+2 की जो डायलॉग है ये हुए हैं, किसके बीच में हुए हैं ये ध्यान रखिएगा, पेपर में पूछते हैं। एक तो है हमारे डिफेंस मिनिस्टर और दूसरे हमारे कौन से हैं, ठीक है, डिफेंस, दूसरे हमारे फॉरेन मिनिस्टर यानी कि जयशंकर जी और राजनाथ सिंह जी ने दोस्तों इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। और बेसिक एक्सचेंज कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट, ओके, जियो स्पेशल कॉर्पोरेशन बीईसीए है जो कि इसको नाम दिया गया है, बेसिक स्पेशल, सॉरी इसको जो नाम है ना वो है बेसिक एक्सचेंज एंड कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट, ध्यान रखिएगा पेपर में पूछेंगे। ठीक है गाइस, और ये जियो स्पेशल कॉर्पोरेशन है 2+2 डायलॉग के तहत किया गया है। अब ये होता क्या है ये थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये बीईसीए है ना ये है क्या एक्चुअली में। देखिए वैसे इस मीटिंग के अंदर जो डिस्कशन किया गया है ना मेजरली, वो किसके ऊपर किया गया है, ट्रेड के ऊपर, सिक्योरिटी के ऊपर, डिफेंस के ऊपर, ओके, और बायलेटरल जो भी कॉर्पोरेशन है बाकी वाले उनके ऊपर, इनके ऊपर जो है वो फोकस है जो कि किया गया, जैसे कि कम्युनिकेशन मान लो, बाकी सब मान लो, इनके ऊपर है जो कि इस मीटिंग के अंदर फोकस है जो कि किया गया। ओके, यूएसए की तरफ से तो एक तो पॉम्पियो थे यहाँ की, जो कि उनके यूएस सेक्रेटरी है स्टेट के, माइक पॉम्पियो, और दूसरे मिस्टर एस्पर है जो कि थे यूएस के रिप्रेजेंटेटिव। अब ये देखिए बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट है क्या एक्चुअली में, ये क्या करता है दोस्तों, यूएस की जो जियो स्पेशल मैप है ना, यूएस क्या करता है सैटेलाइट यूज करता है और उसके माध्यम से मैप बनाता है। बनाता है कि मतलब इसको मिलते हैं मतलब मैप जो है सैटेलाइट से, उससे क्या होता है दोस्तों पिन पॉइंट मिलिट्री एक्यूरेसी होती है। अगर आप कोई भी वेपन को छोड़ते हो तो, जैसे कि मान लीजिए 2000 किलोमीटर दूर, मान लीजिए अज्यूम करिए 200 किलोमीटर दूर जो है वो 1 मीटर के एरिया में हमको मिसाइल दाग दी है। अब अगर हम खुद की टेक्नोलॉजी यूज करें तो हो सकता है कि 1 मीटर पे जाके गिरे ना गिरे, हो सकता है 5 मीटर पे जाके गिरे, लेकिन अगर आपने यूएस की ये टेक्नोलॉजी यूज करी ना तो ये आपको बिल्कुल एक्यूरेट मिसाइल दागने में मदद करता है। समझ गए मेरी बात? एक्यूरेट एकदम। और तो ये पिन पॉइंट मिलिट्री एक्यूरेसी ऑफ ऑटोमेटेड हार्डवेयर सिस्टम, ठीक है, तो बिल्कुल एक्यूरेट दोस्तों आपको वेपन जो है यूज करने में काम में लेता है। इसके अलावा हमने कम्युनिकेशन कंपेटेबिलिटी और सिक्योरिटी एग्रीमेंट भी किया हुआ है कॉम कासा, यानी कि कोई भी कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ेगी तो एक दूसरे की मिलिट्री दूसरे को मदद करेगी। साथ में एक लॉजिस्टिक एक्सचेंज एग्रीमेंट भी किया हुआ है जिसको LEMOA कहते हैं। ये तीन एग्रीमेंट आपको ध्यान रखने, एक तो ये वाला,
और एक हो गया कोम कासा और एक ये LEMEO। ये LEMEO क्या है कि लॉजिस्टिक को लेकर है। कल को एक दूसरे को किसी के मिलिट्री बेस की जरूरत पड़ी, सामान को वहां पे कोई पेट्रोल डीजल की जरूरत पड़ी, तो ये दोनों एक दूसरे की मदद कर देंगे सामान को आवाजाही को लेकर। समझ गए मेरी बात। अब ये क्या हो जाएगा, जो ये BEC है ना, ये एग्रीमेंट हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग ड्रोन्स बनाएंगे और ड्रोन को हम लोग क्या करेंगे छोड़ेंगे, क्योंकि हम US की मदद लेकर दोस्तों ड्रोन को एक्यूरेटली कहीं पर अटैक कर सकते हैं। समझ गए। तो US ने 2018 में बोल दिया था कि Predator-B नाम के जो ड्रोन आते हैं ना, वो हम इंडिया को देने को तैयार है, जो कि एनिमी को स्ट्राइक करने को लेकर रेडी रहते हैं। तो अब हमें अगर कहीं पर सर्जिकल स्ट्राइक करनी है तो जरूरी नहीं कि हमें फाइटर प्लेन लेके जाना है, हम लोग क्या कर सकते हैं ड्रोन की मदद से भी अटैक है, जो कि कर सकते हैं जैसे कि अफगानिस्तान के अंदर USA करता है। समझ गए मेरी बात। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ओके। एक बच्चा बोल रहा है पंकज की सर आपके सिर के पीछे लिखा हुआ दिखाई नहीं देता है, कितनी बार बोल चुका हूँ आप कुछ करते नहीं है। यार देखो पंकज, मैं क्या करूं, मतलब या तो मैं गायब हो जाऊं, ठीक है, क्योंकि यार वो पूरी की पूरी आएगा तो पूरा का पूरा वैसे ही ना, ठीक है। बाकी PDF मैं आपको अवेलेबल करवा देता हूँ टेलीग्राम के ऊपर, 73,000 के आसपास जिस वाले ग्रुप में बच्चे जुड़े हुए होंगे ना, उसके अंदर आपको PDF सारी की सारी मिल जाती है। हाँ भाई सोनू कुमार दरभंगा, आपका भी मैंने देख लिया है कमेंट कि पहली बार नौकरियों का मुद्दा बिहार में बना है, बहुत अच्छी बात है। नौकरी का मुद्दा बनना चाहिए हर राज्य के अंदर, बिहार में नहीं, हर राज्य में नौकरी मुद्दा होना चाहिए इलेक्शन का। चलिए ठीक है गाइस, आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं जो कि पेज नंबर 7। ये देखिए जैसे कि आप बोल रहे थे वैसे ही दोस्तों यहाँ पे बिहार पोल के बारे में डाटा पॉइंट में बताया गया है, रूरल अर्बन डिवाइड के अंदर। तो बिहार असेंबली इलेक्शन दोस्तों जो कि रिजल्ट है कब, 10 नवंबर को आएगा ना मेरे ख्याल से, ठीक है, तो काफी इंटरेस्टिंग आने वाला है वैसे रिजल्ट। और 80% जो भी सीट बीजेपी ने, आप एनडीए ने जो भी ली है, सॉरी बीजेपी ने, वो सारे अर्बन एरिया से ली है, जो शहरी एरिया होते हैं ना वहां पे मिली है। और JDU जो है उनको ग्रामीण एरिया के अंदर सीटें हैं, जो कि वहां पे उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव है जो कि उतारे हैं। ओके गाइस, क्योंकि शहर के अंदर बीजेपी का होल्ड है और JDU का गांव के अंदर होल्ड है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है, ऐसी स्ट्रेटेजी है जो कि अपनाई गई है। ओके, और वैसे ही RJD और कांग्रेस ने भी किया है यहाँ पे। तो यहाँ पे अर्बन और रूरल डिवाइड के बारे में बताया कि किसको कितनी सीटें हैं जो कि मिली है, ठीक है। तो वैसे क्या है, हमारे पॉइंट से तो कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, तो 10 तारीख को वैसे आ ही जाएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं पेज नंबर 8। और अभी जो वैसे माहौल के हिसाब से जो स्ट्रांग होल्ड लग रहा है वो मेरे को, वैसे तो मेरे को तो क्या RJD का ज्यादा लग रहा है, वैसे जो तेजस्वी जो है ना उनका ज्यादा थोड़ा सा लग रहा है कि अभी जिस तरीके से रैली हुई है, जिस तरीके से माहौल जो बना हुआ है उस वजह से तो मतलब लग रहा है। बाकी तो फिर आपको मालूम है सरकार के अंदर गठजोड़ और खरीद फरोश और MLA MP इधर से उधर तो जाते रहते हैं, फिर वो तो यार कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बाकी माहौल तो ऐसे लग रहा है कि इस बार जो है नीतीश कुमार के अगेंस्ट में लग रहा है वैसे। चलिए आगे देखते हैं पेज नंबर 8। और अरे भाई आप लोग अब मेरे पीछे मत पड़ जाना कमेंट के अंदर कि हाँ सर आप तो बीजेपी को हराओगे, आप तो RJD को जिताओगे, आपने RJD के बारे में तो ये बोला ही नहीं, RJD की तो इतनी बेकार पार्टी है, लालू जी तो चारा घोटाले में खुद जेल में बैठे हुए हैं, मुझे सब मालूम है, ठीक है। लेकिन मैं तो बस बात बता रहा हूँ कि अभी माहौल क्या लग रहा है। अदरवाइज मेरे को तो ये लगता है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो पढ़े लिखे जो सच में जनता के लिए काम करना चाहते हैं, जो नौकरियां देना चाहते हैं, उनको वोट करना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, चाहे वो बीजेपी से हो, कांग्रेस से हो, RJD से हो, कोई से भी पार्टी से हो। अगर तो आपका कोई MLA या MP जो भी कैंडिडेट है, MLA का इलेक्शन है अभी, तो उस जो पढ़ा लिखा आदमी है उसको वोट दो ताकि वो आपके एरिया में काम करे, ठीक है, मेरा तो ये मानना है बाकी मुझे मालूम है बाकी आपको तो कमेंट करना ही है, बस 2 4 बच्चे तो खैर वो है ही है। चलिए ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं पेज नंबर 8 को लेकर। पेज नंबर 8 की बात करें तो यहाँ पे हम बात करेंगे दोस्तों किसको लेकर, अडीर मठ ऑफ केरला को लेकर, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए गाइस, आपने आपको मालूम होगा दोस्तों कुछ टाइम पहले केशवानंद भारती जी की मृत्यु हो गई थी, उन्होंने समाधि ले ली थी, याद है क्या, केशवानंद भारती जी जिन्होंने वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ओके, जो कि देश का सबसे बड़ा केस है जो कि उन्होंने लड़ा था, और है ना 13 जज की बेंच है जिन्होंने फैसला सुनाया था, उसके बाद में एक नए तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण हुआ।
केशवानंद भारती दोस्तों पहले कौन थे? अडिर जो मठ है केरला के अंदर, उसके हेड हुआ करते थे। उन्होंने समाधि ले ली 80 साल की उम्र में। और अभी यहाँ पे सचिनानंद भारती जी है जो कि दोस्तों नए हेड है जो कि बने हैं, समझ गए? तो पहले तो मैं आपको ये समझाता हूँ कि ये अडनेर मठ जो है ये है क्या, फिर हम जानेंगे कि केशवानंद भारती जी जो है वो कौन थे और उन्होंने क्या काम किया है हमारे लिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो भी हम लोग जानने वाले हैं, समझ गए मेरी बात? अब देखिए, सबसे पहले दोस्तों अगर मैं अडनेर मठ के बारे में बात करूं तो एक ये हिंदू मोनेस्टिक इंस्टीट्यूशन है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा इतिहास में लेके चलता हूँ। हमारे गुरु शंकराचार्य हुआ करते थे, याद है क्या आपको? शंकराचार्य जी हुआ करते थे। शंकराचार्य जी के दोस्तों चार शिष्य हुआ करते थे, उसमें से एक शिष्य थे थोटा काचार्य। अभी जो थोटा काचार्य जी है ना, इन्होंने दोस्तों इस मठ की स्थापना है जो की करी थी, समझ गए मेरी बात? जो आदि शंकराचार्य थे उनके चार फॉलोअर थे, उसमें से एक थे थोटा काचार्य। इनके द्वारा अडिर मठ की स्थापना करी गई थी और बहुत ही पुराना माना जाता है। मतलब इसमें जो ट्रेडिशन फॉलो होते हैं गाइस, वो 1200 साल पुराने, मतलब जो हमारे रिलीजियस कल्चर आर्ट म्यूजिक जो है ना सोशल सर्विस के प्रिंसिपल्स को माना जाता है और अभी भी प्रैक्टिस करी जाती है। तो अडिर मठ जो है दोस्तों यहाँ पे आज भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्ट और लर्निंग का सेंटर है जो कि माना जाता है। और ये कहाँ पर है? केरला के अंदर है। तो यहाँ पे पहले जो हेड थे वो केशवानंद भारती जी थे, अभी उन्होंने समाधि ले ली है, उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो सचिनानंद भारती जी है जो कि अभी यहाँ पे नए हेड है जो कि इसके बने हैं, समझ गए मेरी बात? अब चलिए, अब मैं आपको समझाता हूँ कि केशवानंद भारती कौन थे और उनको क्यों याद रखा जाता है। ओके गाइस, 1961 के बाद से दोस्तों ये हेड थे इस मठ के, ठीक है? और केरला लैंड रिफॉर्म लेजिस्लेशन एक्ट आया था 1970 के अंदर, जिसके तहत दोस्तों जो भी जमीन है, जो लैंड है, कोई भी रिलीजियस लैंड, उसको गवर्नमेंट ले रही थी। इसी को लेकर उन्होंने क्या किया दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस किया, समझ गए? हालांकि ये केस को हार गए थे, लेकिन इस केस की रूलिंग की वजह से दोस्तों बहुत बड़ा चेंज है जो कि हमारे देश में आया था, ठीक है गाइस? ओके गाइस, तो ये केरला लैंड रिफॉर्म लेजिस्लेशन आया था 1970 में, इसको इन्होंने क्या किया था, चैलेंज है जो कि केशवानंद भारती जी ने किया था। अब ये केस एक्चुअली में है क्या था, इसके अंदर ये था कि क्या पार्लियामेंट संविधान को बदल सकती है, क्या किसी भी संविधान को बदल सकती है क्या? क्योंकि उससे पहले 1967 में गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का एक वर्डिक्ट आया था, जिसमें बोला था कि पार्लियामेंट जो है ना वो फंडामेंटल राइट्स को चेंज नहीं कर सकती है। लेकिन दस दोस्तों जब ये वाला केस सामने आया, तब इसमें बोला गया, इसके अंदर राइट टू प्रॉपर्टी को तो फंडामेंटल राइट में से हटा दिया था। इंदिरा गांधी जी आपको मालूम है दोस्तों पार्लियामेंट को जुडिशरी के ऊपर लेके आने को लेकर है, जो कि फाइट कर रही थी, है ना? इंदिरा गांधी जी भी कम तो थी नहीं मोदी जी से, तो वो भी क्या थे कि उनको वो क्या चाह रहे थे कि पार्लियामेंट के पास में सुप्रीम पावर आ जाए, कंट्रोल करने की कोशिश है जो कि इंदिरा गांधी जी कर रही थी। तो उन्होंने राइट टू प्रॉपर्टी को रिमूव कर दिया था फंडामेंटल राइट्स में से और पार्लियामेंट को ज्यादा पावर दे दी थी कि वो संविधान का कोई सा भी पार्ट को बदल सकती है, समझ गए? और साथ में उन्होंने ये भी बोल दिया था इस लॉ के अंदर पास करके कि इस डिसीजन को कोर्ट जो है वो रिव्यू नहीं कर सकता। मतलब सोचिए कि पहले तो ये बोला कि भाई फंडामेंटल राइट्स में पार्लियामेंट बदलाव कर सकती है और जो बदलाव होगा ना वो कोर्ट के अंदर भी नहीं जाएगा, तो एक तरीके से पूरी तरीके से डिक्टेटरशिप हो गई है। तो सुप्रीम कोर्ट बैठा है इस वाले मुद्दे के ऊपर कि क्या पार्लियामेंट के पास में इतनी पावर होनी चाहिए क्या कि किसी भी संविधान की बात को वो बदल दे। इसको लेकर दोस्तों ये मुद्दा हुआ, तो 13 जज की बेंच जो है वो बैठी सुप्रीम कोर्ट की, और आज तक का सबसे बड़ा केस के सुनवाई हुई 68 डेज तक। 6 महीने लगे इसका फैसला सुनाने में, और फाइनली एक नया चीज निकल के आती है, द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि कोर्ट बोलता है, सुप्रीम कोर्ट, कि यस पार्लियामेंट चाहे तो संविधान का कोई भी भाग बदल सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसको आर्टिकल 368 के द्वारा पावर है, लेकिन वो बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती है। अब आप बोलोगे सर ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, समझ गए? तो इसमें बेसिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन दी गई है कि जैसे कि आप जुडिशरी की इंडिपेंडेंस है ना, पावर का सेपरेशन, सेक्युलरिज्म, रूल ऑफ लॉ, हमारे देश की सोवरेनिटी, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक है ना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, वेलफेयर स्टेट, इन सारी चीजों को जो है चेंज नहीं कर सकती है कोई भी पार्लियामेंट,
समझ गए। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर बोला गया, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप बेसिक स्ट्रक्चर के साथ में छेड़खानी नहीं करोगे, इसके अलावा जो मन करे वो बदलाव करो, हमें उससे मतलब नहीं है। क्योंकि ये जो चीजें है ना दोस्तों, वो आम जनता के लिए है। ये जो चीजें है ना, जो मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर बताया, इसी के दम पे दोस्तों एक आम जनता है जो कि जीती है और एक देश के अंदर थोड़ा सा फ्रीडम महसूस करती है। समझ गए मेरी बात। तो ये दोस्तों 7:6 के वर्डिक्ट के द्वारा पार्लियामेंट में जो है इसका फैसला है जो कि सुनाया गया। उम्मीद करता हूं कि आपको पूरा मैटर समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया क्या? उम्मीद करता हूं कि आगे जाके भविष्य में कभी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए पेज नंबर 13 की बात करते हैं। यहाँ पे जो हमारे लिए वो चिली के अंदर नए संविधान को लेकर काफी यहाँ पे जो है वो प्रोटेस्ट चल रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए चिली आपने देश का नाम सुना होगा, ओके। तो वहां पे नए कॉन्स्टिट्यूशन के लिए दोस्तों बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, और वहां पे रेफरेंडम है जो कि हुआ है, और यहाँ पे अभी वोटिंग हुई है जिसमें 78% ने रिफॉर्म लाने के लिए बोला है, ओके। रिफॉर्म लाने के लिए बोला है, और इन्होंने भी देखो ये बोला है कि हमें एक वेलफेयर स्टेट चाहिए। तो ये वेलफेयर स्टेट होना बहुत जरूरी है। ट्रेनों को प्राइवेटाइज कर दिया तो आम जनता की हालत खराब हो जाएगी, कैसे ट्रेवल करेगी। तो हमें वेलफेयर चाहिए, रोटी कपड़ा मकान आपके साथ में, जो बिजली पानी, समझ गए, जो बेसिक चीजें होती है वो राज्य को प्रोवाइड करनी जरूरी है, ताकि एक आदमी, गरीब आदमी भी जो है वो भी अच्छा जीवन व्यापन कर सके। एक अच्छा स्कूल, एक अच्छी स्वास्थ्य की सेवाएं, ये सब चीजें। अगर कोई गरीब आदमी 10,000 रुपए कमा रहा है, और अगर आपने उसके बच्चों को अच्छे स्कूल में मुफ्त शिक्षा दे दी, अच्छा हॉस्पिटल बना के दे दिया, तो ये मान लीजिए कि वो 10,000 रुपए में बढ़िया जीवन जी लेगा। लेकिन अगर उसके पास में अच्छा स्कूल नहीं है, सुविधा नहीं है हॉस्पिटल की, तो बेचारे के आधे पैसे तो है ना इसी में चले जाएंगे। तो बेचारा क्या तो खाएगा और कैसे जिएगा। तो अगर आप इनकम डबल नहीं कर सकते हो, तो आप उनको, गरीबों को सुविधाएं दे दो, ये होता है एक वेलफेयर स्टेट, समझिए। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ था कि 1973 में, 1990 तक यहाँ पे एक डिक्टेटर हुआ करते थे, ऑगस्टो उनका नाम था। अब ये ऑगस्टो ने क्या किया था कि यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया था चिली के अंदर, उसके अंदर दोस्तों इनके पास और इनकी पार्लियामेंट के पास बहुत ज्यादा पावर थी, समझ गए। इनके कॉन्स्टिट्यूशन के पास पावर कम थी, जो अभी हमने केशवानंद भारती वाली बात करी ना, सेम यहाँ पे चिली के अंदर ये मुद्दा है जो कि अभी प्रेजेंट में हो रहा है। तो इन्होंने ये बोला है कि नए संविधान के अंदर जो है ना, वो राज्य का वेलफेयर सेफ्टी जो है उसको बढ़ाना चाहिए। ये देख सकते हो आप दोस्तों, यहाँ पर भी देखिए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में ये बोला है कि आप वेलफेयर स्टेट बनाइए, और एंश्योर करिए कि बेसिक हेल्थ, एजुकेशन, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन और पेंशन, ये सभी को मिले। क्योंकि पहले वाले लॉ के अंदर तो दोस्तों पार्लियामेंट के पास में ज्यादा पावर थी, और वो अपने हिसाब से काम करती थी, गवर्नमेंट तो अपने हिसाब से काम करेगी। हाँ भाई प्रशांत, 2 साल पहले जो सीजीएल में वीडियोस है वो सफिशियंट है आपके किसी भी एग्जाम के लिए। ठीक है गाइस, चलिए आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो एक लॉ के प्रोफेसर है कैमिल, उनके द्वारा बोला गया था कि उनके द्वारा स्टेटमेंट है कि 1980 के अंदर दोस्तों बहुत सारी प्रॉब्लम थी जो कि इनके संविधान में थी पहले वाला। पहले तो यहाँ पे दोस्तों जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो सारे के सारे डिक्टेटर के द्वारा अपॉइंट करे गए थे, तो वो तो हमेशा उसी की बात बोलेंगे, ओके। और इसके अलावा गवर्नमेंट का कंट्रोल जो है वो काफी ज्यादा था। इसी को लेकर दोस्तों यहाँ पे देखिए रेडियो, टेलीविजन, सब जगह पे अपोजिशन को जगह ही नहीं मिलती थी। अब वही वाली बात है, मीडिया अगर पूरे दिन भर जो है वो गवर्नमेंट की गाथा गाता रहेगा और अपोजिशन को उसको जगह ही नहीं मिलेगी बोलने के लिए, तो जनता तक तो सही बात तो पहुंचेगी ही नहीं। तो अपोजिशन का भी तो आवाज उठना जरूरी है, उसको स्पेस मिलेगी तभी तो पता लगेगा। एक न्यूज़पेपर में मान लीजिए इतनी जगह तो मिली हुई है गवर्नमेंट को, और इतनी सी जगह मिली हुई है अपोजिशन की बात को, तो जनता तो क्या हो जाएगी। अब गवर्नमेंट जो ज्यादा जगह मिली हुई है अखबार में उसी की तरफ होगी, है ना, उसका कवरेज ज्यादा है। तो ऐसा यहाँ पे दोस्तों पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन हर जगह पे काफी लिमिटेड, रेडियो एक्सेस, टेलीविजन एक्सेस हो गया था, तो उसी को लेकर यहाँ पे दोस्तों ये चेंजेस करे गए हैं। ठीक है गाइस, ये देखिए चिली एरा, सेंटियागो उसकी कैपिटल है, अर्जेंटीना के बाजू के अंदर है, बिल्कुल केरला जैसा मैप है इसका। ठीक है, ये देखिए सेंटियागो कैपिटल है, स्पेनिश लैंग्वेज है जो कि यहाँ पे ज्यादातर लोग बोलते हैं। इसके अलावा और यहाँ पे अगर मैं प्रेसिडेंट की बात करूँ तो सेबेस्टियन है जो कि प्रेसिडेंट है यहाँ पे अभी, और सीनेट और उसके पार्लियामेंट को अपर हाउस को बोलते हैं। ठीक है, करंट कॉन्स्टिट्यूशन 1980 के अंदर इनका बना था, और स्पेन से दोस्तों इनको आजादी है जो कि मिली थी, और ठीक है स्पेन से काफी पहले आजादी मिल गई थी वैसे तो इनको,
पॉपुलेशन की बात करें तो कोई पॉपुलेशन है इनकी 2 करोड़ के आसपास की, ज्यादा पॉपुलेशन भी नहीं है। ठीक है गाइज, और यहाँ पे करेंसी क्या चलती है, पीसो है जो कि यहाँ पे करेंसी चलती है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं जो कि है सेशेल्स की प्रेसिडेंसी को लेकर। तो दोस्तों अपोजिशन कैंडिडेट है जिनको यहाँ पे फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट बनाया गया 1977 के बाद में। ओके, उनका नाम है दोस्तों यहाँ पे वेविल रामकल रामकल लावन। ठीक है, राम कलावन। तो ये नया प्रेसिडेंट है दोस्तों जो कि यहाँ पे बनाया गया है दोस्तों, और मिनिमम वेजेस को राइज करने के लिए इन्होंने बोला है। देखिए सेशेल्स जो है पूरी तरीके से टूरिज्म डिपेंडेंट इकोनॉमी है ना, और अभी टूरिज्म आ नहीं रहा है तो वैसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम है इस देश के ऊपर। देखिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशेल्स के बारे में पता होगा। देखो कैसे पहुंचोगे सेशेल्स, पहले तमिलनाडु जाओ, तमिलनाडु से श्रीलंका में जंप करो, श्रीलंका से मालदीव जाओ, मालदीव से आप जाओगे सेशेल्स। दिख रहा है आपको ये? ठीक है, सेशेल्स से ये देखो ये मॉरिशस है, इसके पास में मदागैस्कर है, इसके बाद में कोमोरोस है। तो ये सारे इंडियन ओशन के कंट्रीज है छोटे छोटे से। ओके चलिए सेशेल्स की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों प्रेसिडेंट तो मैंने आपको बताई दिए, इसके अलावा यूके से इनको इंडिपेंडेंस है जो कि 1976 के अंदर मिले थे। पॉपुलेशन की बात करें तो क्या लगता है पॉपुलेशन कितनी होगी? इतनी पॉपुलेशन है कि हमारे जो सरपंच के इलेक्शन होते हैं ना उतने में भी लोग कवर कर लेते हैं। 1 लाख के आसपास की इनकी पॉपुलेशन है। ठीक है, ओके, 1 लाख के आसपास की इनकी पॉपुलेशन है, बहुत ही कम है, हमारे गांव के गांव में नहीं इतनी पॉपुलेशन होती है। और सेशेल्स रूपी है जो कि यहाँ पे करेंसी चलती है। सुशांत बोल रहे हैं सर 4 दिन से कमेंट कर रहा हूँ, एनटीपीसी में कौन से महीने तक करंट अफेयर आएगा और स्ट्रेटेजी के आप पढ़ाओगे कि नहीं? सुशांत कुमार देखो बात ऐसी है कि मैं करंट अफेयर आपको पढ़ा रहा हूँ, दिन में 1 बजे क्लास होती है स्पेशल के अंदर, पूरे देश में सबको पता है बस आप ही को नहीं पता है। और उसके अंदर मैं आपको दिसंबर 2019 से दिसंबर 2020 तक का करंट अफेयर करवा रहा हूँ पूरे 1 साल का। अब आप क्लास में आते ही नहीं हो तो फिर मैं क्या करूँ बताओ, घर पे आपके को चिट्ठी तो भिजवा नहीं सकता मैं। ठीक है, एक बच्चा पूछ रहा है कि सर रिपब्लिक भारत और आज तक आर फेयर न्यूज चैनल्स और ओन बाय पॉलिटिकल पार्टी, अमन गुप्ता। अमन गुप्ता क्या आपको न्यूज देख के इतनी सी बात समझ में नहीं आती क्या कि कौन कितना फेयर है और कौन मुद्दों के ऊपर बात करता है? मतलब मुझे इसके ऊपर मेरे ख्याल से शायद लगता नहीं है कि किसी को भी अगर कोई 10th तक भी पढ़ा हुआ है ना तो मुझे लगता है कि उसके दिमाग इतना तो चल सकता है कि वो चैनल देखकर न्यूज चैनल देखकर बता सकता है कि कौन सा बायस्ड है कौन सा बायस्ड नहीं है, कौन सा न्यूज चैनल अच्छा है कौन सा बुरा है, उसकी डिबेट जो है वो किस कहां पर लेके जा रही है, देश के लिए अच्छी है कि बुरी है। तो ये बहुत ही बेसिक क्राइटेरिया है, मतलब मुझे लगता है कि इसके लिए कोई बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल दिमाग चाहिए पता करने के लिए। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं पेज नंबर 16। पेज नंबर 16 की बात करें तो यहाँ पे लुइस हैमिल्टन के बारे में बात करेंगे। ओके गाइस, तो न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड है दोस्तों जो कि यहाँ पे बनाया गया है हैमिल्टन के द्वारा। अभी आपको मालूम है पोर्चुगीज ग्रैंड प्रिक्स उन्होंने जीती और ये उनकी 92nd विक्ट्री थी दोस्तों। आज तक फॉर्मूला 1 के इतिहास के अंदर सबसे ज्यादा बार 91 टाइम जो है माइकल शूमाकर थे दोस्तों जो कि चैंपियन रहे थे। याद है आपको माइकल शूमाकर का नाम बच्चे बच्चे को पता है। ओके 91 बार, तो उस 91 को भी दोस्तों यहाँ पे लुविस हैमिल्टन ने जो है वो पार कर लिया है। और ऐसा माना जा रहा है कि वर्ल्ड के मोस्ट सक्सेसफुल F1 ड्राइवर है जो कि दोस्तों ये बन चुके हैं इन टर्म्स ऑफ विन। इससे पहले देखिए माइकल शूमाकर 91, उससे पीछे तो 51 ही है, प्रोस्ट करके 51 कर, उसके पीछे 27 है। ओके तो काफी जबरदस्त है, मतलब अभी मर्सिडीज की टीम है उनसे जुड़े हुए हैं मतलब। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इंडियन एक्सप्रेस का फ्रंट पेज के लिए भी काफी बच्चों ने बोला था। देखिए इंडियन एक्सप्रेस भी बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है, इसके अंदर भी देखिए द हिंदू की जैसे ही काफी अच्छी न्यूज आती है। फ्रंट पेज पे 2+2 के बारे में बात करी गई है, यहाँ पे बोला गया है कि मुंबई के अंदर दोस्तों बहुत लोगों की प्रॉब्लम हो गई है क्योंकि सैलरी नहीं है, अपने घर परिवार का गोल्ड देखकर पैसे लेकर उस बच्चों की फीस भर रहे हैं, एनजीओ की जो मील होती है उसके ऊपर खाना खा रहे हैं, रेंट नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ पे स्टबल बर्निंग को लेकर बात करी है,
यहाँ पे काउस लॉटर जो मैंने आपको बताया था ना, इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो जजमेंट आया उसके बारे में बात करी है। यहाँ पे लद्दाख के अंदर जो यूनियन टेरिटरी जो ऑटोनोमस काउंसिल है ना, उसके इलेक्शन हुए जहाँ पे बीजेपी को यहाँ पे विन मिली है। यहाँ पे मतलब 50% सीटें बीजेपी को है, 25-30% कांग्रेस को, टाइप ऐसे कुछ मिली है। ठीक है, यहाँ पे बर्ड ऑफ गॉड के बारे में बताया गया है। ओके, फेलकॉन जो है ना बर्ड होता है उसके बारे में बताया। तो ये आपका फ्रंट पेज था इंडियन एक्सप्रेस का। इसके अंदर जो न्यूज इंपॉर्टेंट है एचडीएफसी की, एक तो है एमडी और सीईओ जो दोस्तों वो आदित्यपुरी रिटायर हो चुके हैं और जगदीशन जी ने दोस्तों उसको टेक ओवर है जो कि कर लिया है। ओके, जगदीशन जी जो है 26 साल तक आदित्यपुरी जो है दोस्तों एमडी और जो है सीईओ रहे इस बैंक के, दोस्तों इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है। और अब शशिधर जगदीशन जी है वो चार्ज है जो कि संभालने वाले हैं। ओके गाइस, 1996 में इस बैंक की शुरुआत हुई थी, मुंबई के अंदर इस बैंक का हेडक्वार्टर है एचडीएफसी का। चलिए आगे बात करते हैं। ये देखिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ आपको। आपने देखा होगा ना गाइस कि कई बार क्या होता है कि पुलिस जो है ना क्रिमिनल को पकड़ने के लिए, ओके, व्हाट्सएप से जो है ना वो डेटा मांगती है किस चीज का, कॉल का और मैसेज का, मालूम है आपको, समझ गए, आपको मालूम है ना ये बात। तो व्हाट्सएप ने दोस्तों अभी क्या कर दिया है, देने से मना कर दिया है। क्यों मना किया है, क्या व्हाट्सएप के पास में डेटा रहता है? नहीं दोस्तों, व्हाट्सएप के पास में भी ये डेटा नहीं रहता है, क्योंकि यहाँ पे एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन के द्वारा दोस्तों ये काम है जो कि यहाँ पे होता है व्हाट्सएप के ऊपर। तो आपका किसी का भी जो मैसेजेस की डिटेल है या फिर कॉल्स की रिकॉर्डिंग है, ये व्हाट्सएप जो कि फेसबुक की ओन कंपनी है वो नहीं दे सकता है। ये यहाँ पे दोस्तों बात है जो कि व्हाट्सएप के रिप्रेजेंटेटिव ने दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर बोली है कि हमारे पास इस तरीके का कोई भी डाटा है जो कि नहीं होता है। हमारे यहाँ पे जो भी चीज होती है वो एंड टू एंड इंक्रिप्टेड होती है, यानी कि एक आदमी से दूसरे आदमी के पास में जाएगी और उसके बाद में वो खत्म हो जाएगी। अब आपको लगता होगा कि सर ये दीपिका पादुकोण और ये जो है ना बाकी का जो अभी व्हाट्सएप का जो डाटा दिखाया गया था रिया चक्रवर्ती का, तो ये कैसे दिखा दिया गया जब व्हाट्सएप के पास में डाटा रहता ही नहीं है? तो आपको मालूम है ना, एक बहुत ही घटिया लेवल का काम है जो कि रिपब्लिक भारत ने किया था, किसी की पर्सनल चैट दिखाना, मतलब उसके मतलब कितना घटिया काम हो सकता है, मतलब उसकी प्राइवेसी के अंदर आप कहां तक घुस गए हो। अगर दीपिका पादुकोण या कोई भी मतलब देश के अंदर अगर कोई मान लीजिए कोई वीड या फिर कुछ भी मतलब अगर कंज्यूम कर रहा है, अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, तो आप कंप्लेन करिए, पुलिस अपने हिसाब से जो भी लॉज होंगे उसके अकॉर्डिंगली जो है वो केस रजिस्टर करेगी और पुलिस जाने उनका काम, पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन करके उनको सजा देगी अगर इलीगल है तो। अगर इलीगल नहीं है तो मतलब किसी के व्हाट्सएप चैट इस तरीके से दिखाना कितना घटिया हो सकता है, मतलब आप समझ सकते हैं। तो ये कैसे हो चुका है, तो ये कैसे हो गया कि व्हाट्सएप की चैट लीक हो गई? तो गाइस देखिए इसका जो कारण है ना, उसका कारण क्या है कि व्हाट्सएप जो है आपकी हिस्ट्री को सेव करता है। याद है क्या आपके आपके जो भी मैसेजेस हैं, आपके जो भी पिक्चर्स हैं, आपका जो डाटा है ना वो आपके स्टोर होता है। अगर आप व्हाट्सएप में जाके चैट डिलीट कर सकते हो तो डिलीट भी कर लिया करो इनको। वैसे मतलब मेरे तो मोबाइल में मेमोरी बड़ी कम होती है तो मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। बाकी कई लोगों के पास में अगर मेमोरी अच्छी होती है, जैसे कि अगर आईफोन है 200-250, 100-150, 100-150, 200 GB का, तो क्या होता है कि वो स्टोर होते रहते हैं सारे के सारे, है ना। अब वहां से दोस्तों ये क्या हो जाती है, रिट्रीव हो जाती है। लेकिन अगर आपने इसको स्टोर नहीं कर रखा है, इसको सेव नहीं कर रखा है, तो ये कभी भी नहीं हो सकती है, समझ गए। तो ये कारण रहा था दोस्तों जिसकी वजह से ये जो डाटा है ना वो बाहर आ गया था। अदरवाइज व्हाट्सएप जो है वो पूरी तरीके से सेफ है और फोन कॉल्स और इसके जो चैट्स है वो कभी भी रिट्रीव नहीं होती, क्योंकि ये एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन है। हाँ, बैकअप है ना, तो आपने अगर बैकअप में रखा हुआ होगा ये सारे के सारे चैट्स हो गए, ओके, जो भी आपकी पिक्चर्स हो गई, तो वो मिल सकती है। चलिए आगे बात करते हैं। आईएमडी ने लॉन्च किया एक फ्लैश फ्लड गाइडेंस, ओके, सीरीज फॉर कंट्री साउथ एशियन नेबर्स। तो देखिए आईएमडी ने दोस्तों क्या किया है, एक फ्लड गाइडेंस सर्विस है जो कि हमारे आसपास के जो देश है ना उनको देने के लिए बोला है, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और श्रीलंका को, ताकि कोई भी अगर फ्लड आता है तो उसके टाइम पे आईएमडी क्या करेगा, पहले से फोरकास्ट कर देगा, बता देगा कि क्या लेवल है फ्लड का, कितना नुकसान हो सकता है, कितनी ड्यूरेशन के लिए आएगा, रियल टाइम सपोर्ट है, वार्निंग है जो कि 6 से 12 घंटे के एडवांस के अंदर अवेलेबल करवा देगा, 4x4 किलोमीटर के रेजोल्यूशन के अंदर अपने आसपास की कंट्रीज को, ठीक है गाइस। ये यहाँ पे दोस्तों बताया गया है। फ्लैश फ्लड जो है ये हाईली लोकलाइज्ड इवेंट होते हैं, बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के अंदर आते हैं
और बहुत ही तेज आते हैं, 6 घंटे से भी कम का टाइम है जो कि इसके अंदर मिलता है। नेक्स्ट है जो कि है दोस्तों, साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है फर्स्ट रूम टेम्परेचर सुपर कंडक्टर। देखिए सुपर कंडक्टर जो है ना, वो पहले भी अवेलेबल थे लेकिन उनका टेम्परेचर माइनस में था पहले। सुपर कंडक्टर को बनाया जाता है कार्बन हाइड्रोजन सल्फर को बिल्कुल स्क्वीज करके दो डायमंड के बीच में, जब आप हीट करते हो किसी भी मटेरियल को लेजर लाइट के साथ में। ये दिख रहा है आपको, दो डायमंड जो है, एक डायमंड ये, दो डायमंड ये, अब इसके बीच में कार्बन सल्फर, ओके, इसको आप बहुत तेज हीट करोगे तब दोस्तों सुपर कंडक्टर का फॉर्मेशन है जो कि होता है, ओके। और ये लेजर लाइट के साथ में आपको केमिकल रिएक्शन करवा के बनाना पड़ता है। 2.6 मिलियन टाइम ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है अर्थ एटमोस्फेयर से, और टेम्परेचर दोस्तों बिलो 15 डिग्री सेल्सियस है जो कि रखना पड़ता है। इस टाइम पे इलेक्ट्रिकल जो रेसिस्टेंस है ना, वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। सुपर कंडक्टर का फायदा क्या होता है कि इसके अंदर एनर्जी लॉस नहीं होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बिल्कुल 100% के साथ में फ्लो करती है। इलेक्ट्रिसिटी का जो पास है ना, वो बिल्कुल भी रुकता नहीं है। सुपर कंडक्टर बनाने का कारण क्या है, क्यों बनाते हैं, क्योंकि उसके अंदर किसी भी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी के बीच में कोई रुकावट नहीं आती है, फुल फ्लैश जो है इलेक्ट्रिसिटी पास होती है उसके अंदर, उसके अंदर किसी प्रकार का लॉस नहीं होता है, इसीलिए सुपर कंडक्टर बनाए जाते हैं, समझ गए। तो पहले तो दोस्तों सुपर कंडक्टर हाई प्रेशर बनाना पड़ता है, उसके लिए आपको पहले सुपर कंडक्टर -273 डिग्री सेल्सियस पे काम करते थे, 1911 के अंदर इसकी डिस्कवरी करी गई थी। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है दोस्तों कि इसको रूम टेम्परेचर यानी कि 15 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बनाया गया है, ओके। और सुपर कंडक्टर आपको इलेक्ट्रिसिटी विदाउट रेसिस्टेंस है ना, विदाउट रिकावट जो है ये फ्लो करते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पे जो कि है टॉसिली जूमैप को लेकर, इसने भी दोस्तों निराश कर दिया है। देखिए ये आपको मालूम है दोस्तों कि COVID-19 के जब दुनिया में पेशेंट बढ़ गए थे तो दो दवाइयां बड़ी ज्यादा हाईलाइटेड बनी थी, एक तो हाइड्रोक्लोरोक्वीन जिसको लेकर आपको मालूम है हमने तो यहाँ पे बनाई भी, बेची भी, कई सारे देशों को दी भी, लेकिन दोस्तों ये भी जो है वो फेल हो गई, कुछ ज्यादा इफेक्टिव नहीं रही। और दूसरी दुनिया में जो टॉसिली है ना, ये सेकेंड ड्रग था जो कि जिससे काफी उम्मीदें थी पूरी दुनिया के अंदर कि ये इफेक्टिव बनेगी है ना, जब तक वैक्सीन नहीं आती है, तो ये भी दोस्तों फेल है जो कि इसके अंदर हो चुकी है। ओके गाइस, अर्थराइटिस के केस में ये दी जाती है, स्विस फार्मा कंपनी है रोचे उसके द्वारा ये बनाई जाती है। ओके, तो ये भी बोला गया था कि सोल्यूशन है लेकिन इसने भी निराश किया। आगे बात करते हैं दोस्तों, हिमालय में सिवनी जोन टेक्टोनिक रूप से सक्रिय हो गया है। तो यहाँ पे देखिए अभी जो वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी है ना, उसके साइंटिस्ट ने बताया है कि अभी कुछ टाइम से जो अर्थक्वेक आ रहे हैं ना, वो किस वजह से आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो एक जोन जो है वो एक्टिव हो गया है, टेक्टोनिक एक्टिव हो चुका है हिमालय वाला जोन, उसकी वजह से कई सारे अर्थक्वेक है जो कि देखने को मिल रहे हैं। और 70 से 80 हजार साल पुराना दोस्तों ये है पूरा का पूरा जोन एरिया, और 2010 के अंदर लो मैग्नीट्यूड आया था 4.0 का, और अभी भी धीरे धीरे थोड़े थोड़े से अर्थक्वेक है जो कि देखने को मिल रहे हैं। आपको मालूम है आप हमारा जो हिमालय वाला नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया है वो जोन 4-5 के अंदर आता है। नेक्स्ट है, गवर्नमेंट अप्रूव कर दिया है 47 एडिशनल आईटीबीपी की पोस्ट है दोस्तों जो कि बनाई जा रही है तिब्बत बॉर्डर के ऊपर, क्योंकि आपको मालूम है चाइना का तो कोई भरोसा है नहीं, ठीक है, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, मॉडर्न और इफिशियंट हमारे आईटीबीपी को दोस्तों डिप्लॉय कर रहे हैं, ठीक है, तो काफी अच्छा इनिशिएटिव है। वैसे आईटीबीपी की बात करें तो तिब्बत बॉर्डर का ख्याल रखती है, ओके, और CAPF का अपना एक आर्म है, 1962 में फॉर्मेशन किया गया था। ओके गाइस, देसवाल साहब है जो कि अभी इसके डीजीपी है। 145th बर्थ एनिवर्सरी सरदार वल्लभ भाई पटेल की 31 अक्टूबर को दोस्तों मनाने वाले हैं, आयरन मैन ऑफ इंडिया दोस्तों, और राष्ट्रीय एकता दिवस भी हम लोग मनाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का दोस्तों जो जन्म है गुजरात के अंदर हुआ था 31 अक्टूबर 1875 को, इन्हीं के बर्थडे को हम यूनिटी डे राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं, और अहमदाबाद के अंदर गांधी जी से मिले थे, ठीक है, और गांधी जी से मिलने के बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल इतने इंप्रेस हुए उनसे कि उनके बाद में वो गांधी जी के फॉलोअर बन गए, ओके, और गांधी जी के ही साथ में उन्होंने दोस्तों काम करना सीखा, और गांधी जी को बहुत अप्रिशिएट किया करते थे और अपना गुरु माना करते थे, ठीक है गाइज। और गांधी जी के कहने के ऊपर ही पटेल जी ने बहुत बढ़िया पैसों की एक नौकरी थी वो छोड़ दी थी, और मूवमेंट के अंदर, देश के इंडिपेंडेंस के अंदर दोस्तों ज्वाइन कर लिया था गांधी जी को, ठीक है। आपको मालूम है खेड़ा के अंदर टैक्सेस को लेकर प्रॉब्लम हो गई थी, तो वो एग्जम्पशन करवाना था, तो उसी टाइम पे इन्होंने साथ दिया था उनका, ओके, तो उसी टाइम पे 1918 में गांधी जी के साथ में गांव से गांव तक कैंपेनिंग के अंदर दोस्तों वो गए थे, ठीक है गाइज। और गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के 1920 के अंदर वो प्रेसिडेंट भी बन गए थे। तो
ब्रिटिशर्स ने पटेल जी को सॉल्ट सत्याग्रह के टाइम पर अरेस्ट कर लिया था विदाउट ट्रायल के तौर पे। गांधी अरविंद जब पैक्ट हुआ उसके बाद में उनको प्रेसिडेंट बनाया गया आईएनसी का कराची सेशन में, है ना, 1931 के अंदर। और इनको बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी कहते थे क्योंकि जो पॉलिटिकल इंटीग्रेशन में जो कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, जब देश की आजादी हुई थी 47 के टाइम पे, तो ब्रिटिशर्स ने तो ये बोल दिया था कि भाई जिसको इंडिया के साथ में जाना है वो इंडिया के साथ जाओ, जिसको पाकिस्तान के साथ में जाना है पाकिस्तान के साथ जाओ, जिसको इंडिपेंडेंट रहना है वो इंडिपेंडेंट रह जाओ। तो हमारे देश में दोस्तों 500 देश बनने को तैयार हो गए थे, सारे छोटे मोटे राजा जो है खुद को देश घोषित कर रहे थे। तो जैसे कि बिस्मार्क ने काम किया था उसी प्रकार से हमारे पटेल जी ने भी दोस्तों क्या किया, देश का इंटीग्रेशन करने का काम किया। नेहरू जी ने दोस्तों क्या, ये जो काम है ना इंटीग्रेशन का, साम दाम दंड भेद कुछ भी मिलाकर, समझ रहे हो, साम दाम दंड भेद कुछ भी लगाकर जो है देश को इंटीग्रेट करने का काम मेनन साहब और पटेल साहब को दिया, जिन्होंने बखूबी दोस्तों ये काम किया। ओके, तो जर्मनी का भी इसी प्रकार से हुआ था, ड्यूक ऑफ ल्यूनबर्ग हुआ करते थे, उनका नाम था ऑटो वैन बिस्मार्क। ओके, जो कि जनरल एक जर्मन पर्सन थे और बहुत ही मास्टरमाइंड थे। जर्मनी को एक करने में 1871 के अंदर बहुत बड़ा रोल था उनका, इसी वजह से बिस्मार्क ऑफ इंडिया पटेल साहब को कहा जाता है। इंडिपेंडेंट के बाद में भी देखिए डिप्टी पीएम बने। ओके, और बहुत ही क्रिटिकल स्टेज के ऊपर देश के अंदर काम किया। 55 सेल्फ गवर्निंग प्रिंसली स्टेट है जो कि बनने को तैयार हो गए थे, मतलब 565 छोटे मोटे राजा खुद को देश बना रहे थे। ओके, और साथ में होम मिनिस्टर भी बने हमारे यहाँ पे। ऑपरेशन पोलो लॉन्च किया, गोवा को मिलाया, हैदराबाद जो है निजाम उसको सरेंडर करवाया। ओके, और भी बहुत सारे लोगों को सरेंडर करवाया। और ये देख सकते हो 182 मीटर की जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी जो है हमने यहाँ पे गुजरात के अंदर बनाया है, जो कि दुनिया में सबसे ऊंचा है। ओके, अगर मुझे लगता है कि इनके विचारों को प्रमोट किया जाए, इनके बारे में पढ़ाया जाए, इनके काम के बारे में बताया जाए, तो मुझे लगता है कि ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा देश में पटेल साहब का, रहकर इनकी मूर्ति बनाने के मतलब। चलिए यहाँ पे दोस्तों एक बहुत एक जोक है जो कि विम्मी के द्वारा भेजा गया है। पत्नी ने पति से पूछा, अच्छा ये बताओ कि मूर्ख तुम हो कि मैं? पति, प्रिय ये बात तो सब जानते हैं कि तुम अत्यंत तीव्र बुद्धि के स्वामी हो, इसलिए ये कभी नहीं हो सकता कि तुम किसी मूर्ख व्यक्ति से शादी करो। भाई का नाम राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए भेजा गया। तो ठीक है, मतलब क्या खतरनाक जवाब दिया है डिप्लोमेटिक, मतलब कि अगली की भी बात रख दी और खुद को भी इंटेलिजेंट बता दिया। चलिए यहाँ पे एक एक्सपीरियंस योगेश के द्वारा शेयर किया गया है, जो कि मैं आप लोगों के साथ में भी शेयर करना चाहूंगा। इन्होंने बहुत अच्छी बात है जो कि योगेश ने बोली है गाइस, आपको मालूम है कि कई सारे लोग हैं जो कि कई सारे एनिमल को, बर्ड को जो है वो पिंजरे में बंद रखते हैं। ओके, और आपको मालूम है कि कोई भी एनिमल, कोई भी बर्ड जो है वो किसी भी पिंजरे में या फिर किसी भी छोटे एरिया के अंदर के लिए नहीं होता है। मैं कई बार देखता हूँ लोग कबूतर को, पैरट को, कई सारे चीजों को, कई सारों को जो है पिंजरे में बंद रखते हैं। तो मेरी भी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि ये जो अपने नेचर है, जो अपने बर्ड्स है, ये खुले आसमान के लिए है, मतलब है ना, ये बंद करने के लिए नहीं है, इंसान के फन के लिए नहीं है। ओके, तो मेरी भी रिक्वेस्ट है कि अगर किस तरीके से किसी के कोई किसी ने इस तरीके से किसी को रखा हुआ है तो प्लीज जो है उनको आजाद करो, काफी अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, चलिए आपको मालूम है गाइस, अगर अकेडमी पे कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है तो BHU10 या फिर BHU NESH भुवनेश्वर लगा के आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, 10% ऑफ आपको मिल जाएगा। ठीक है गाइस, यूपीएससी में मेरा करंट अफेयर का कोर्स चल रहा है 1.5 साल का, और साथ में SSC के अंदर भी चल रहा है। आज के महत्वपूर्ण सवाल, सुपर कंडक्टर्स आर द एलिमेंट दैट ऑफर डैश रेसिस्टेंस। हाल ही में टोसिली हाल ही में खबरों में थी, का उपयोग डैश के उपचार के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन भारत तिब्बत सीमा पुलिस के वर्तमान महानिदेशक है? राष्ट्रपति एकता दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? निम्नलिखित में से किस देश ने भारत और अन्य दक्षिणी एशियाई देशों के लिए अपनी तरह की पहली फ्लैश फ्लड गाइडलाइन है, जो कि जारी करी है? तो ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन गाइस, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।